हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते ठीक होंगे। जैसे कि मैंने एपिक एडिट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा क्यों नहीं भाई, मैं इस पर ट्यूटोरियल बनाऊं और आपको ये बताऊं एपिक कैसे एडिट होता है। बट आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हमेशा मैं कोई ना कोई नया वीडियो लेकर आते रहता हूँ। और चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ से जाएंगे पिकार ऐप में। तो मैं यहाँ पिकार ऐप में चले जाता हूँ और जाने के बाद सीधा यहाँ से हम थोड़ा टाइम लग रहा है। यहाँ जाएंगे, यहाँ प्लस वाला आइकन क्लिक करेंगे, क्लिक करने हम नीचे जाएंगे तो ये ब्लैक वाला है, उसको हम कलर बैकग्राउंड है। तो यहाँ से जाएंगे, उसको ब्लैक वाला क्लिक करेंगे और क्लिक कर दिया। करने के बाद यहाँ जाएंगे तो उस पर यहाँ पर जाएंगे, कट पर जाएंगे, फिर इसके बाद यहाँ जाएंगे, उसको इंस्टाग्राम साइज यहाँ से ले लेंगे हम, यहाँ से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद फिर यहाँ जाएंगे हम, वहाँ पर एट फोटो में जाएंगे। एट फोटो के बाद यहाँ जाएंगे, जो कटआउट पिक मेरा है उसको मैं यहाँ से ले लेंगे। मैं यहाँ पे पिक तो उसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ। लेने के बाद से इसको ऐड कर देंगे, ऐड कर उसको यहाँ परफेक्ट हमें अच्छे यहाँ से उसको अपने हिसाब से यहाँ से यहाँ बैठा लेंगे जूम करके। और ये हो गया, अब उसके बाद यहाँ जाएंगे हम, इसको हम यहाँ से क्लिक करेंगे। उसको करने के बाद उसको हम नीचे कर देंगे, उसको बस यहाँ से उसको नीचे कर देंगे। और मैं जो है ये लगे एकदम से कांच में बैठा हूँ, और इसको मैं यहाँ कर यहाँ जाएंगे और इसको हल्का से कम कर देंगे, और कम कर दिया और हल्का से कम कर दिया। यहाँ इसको हम सेव कर दे रहे हैं, और सेव करने के बाद मेरे कुछ PNG है तो मैं इसको ले लेता हूँ। पहले यहाँ जाए गैलरी में, यहाँ गैलरी में जाएंगे तो पहले का PNG है, जिसको मैं यहाँ ले लेते हैं। तो मैं यहाँ जाएंगे गैलरी में, गैलरी में जाने के बाद हम यहाँ जाएंगे, पहले का PNG होगा उसको हम ले लेते हैं यहाँ से जाकर। थोड़ा हम यहाँ से इसको ले लिए, और लेने के बाद इसको भी ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद इसको हम यहाँ से थोड़ा और फिर इसको इसे अच्छे से यहाँ लगा देंगे हम जूम करके। और मैं इसको यहाँ लगा दिया, लगाने के बाद उसको एक और मैं जूम करूँगा, और इसको मैं यहाँ जाकर यहाँ जाऊँगा, और इसको मैं यहाँ इसको मैं यहाँ से करके सॉरी यहाँ जाएंगे, उसको मैं इसको इसको ऐसा कर दूँगा, और तो इसको पैर के पास रखूँगा यहाँ पर। आप इसको यहाँ से सेव कर दूँगा, और सेव करने के बाद इसको यहाँ से जाएंगे, इसको हम सेव जो इसको सेव कर लेंगे पिक को अपने, और मैं पिक यहाँ से सेव कर ले रहे हैं। और सेव करने के बाद सीधे यहाँ से स्नैपचैट ऐप में इसको शेयर करेंगे गैलरी में जाकर। गैलरी में पिक यहाँ चुका है, और इसको हम स्नैपचैट ऐप में शेयर करेंगे उसको यहाँ से जाकर। तो यहाँ से इसको स्नैपचैट ऐप में इसको शेयर कर दिया, और मैं पिक यहाँ से शेयर हो चुका है। होने के बाद मैं यहाँ इफेक्ट यूज करूँगा, और मेरा ये पिक थोड़ा लाइक जरा जगह, तो उसको यस कर देंगे। यस करने के बाद थोड़ा जूम करके, तो फेस पर थोड़ा रेड है, रेड होने के बाद उसको थोड़ा सा जूम करके थोड़ा यहाँ से हल्का सा गोरा कर देंगे, और मैं गोरा कर देंगे और उसके बाद थोड़ा सा और थोड़ा जूम करके थोड़ा सा उसको थोड़ा गले में थोड़ा सा जूम करके उसको यहाँ लगा देंगे, और थोड़ा सा यहाँ करेंगे, और थोड़ा सा वो हल्का सा जूम करके जो हैंड कहाँ जहाँ रेड है वो हल्का सा गोरा कर लेंगे। पहले हम यहाँ से इसको यहाँ से कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, और मैं इसको हल्का सा गोरा कर दे रहा हूँ, और इसको यहाँ से सेव कर दे रहा हूँ, और सेव करने के बाद उसको हल्का सा और इसको यहाँ बढ़ा देंगे। हो गया, होने के बाद इसको ऑटो इसके रूप में यहाँ से सेव करेंगे, और जो फेस को थोड़ा स्मूथ कर लेंगे थोड़ा सा, और मैं पिक को थोड़ा सा हल्का सा स्मूथ कर लेंगे पिक को अपने। तो यहाँ से हम ऑटो इसके रूप में पिक को हम सेव करेंगे यहाँ से हम, और मैं पिक ऑटो इसके रूप में आ चुका है, उसको जूम करके थोड़ा सा अपने पिक को स्मूथ कर लेंगे थोड़ा सा। तो मैं पिक को जिनको थोड़ा सा स्मूथ कर लेता हूँ अपनी पिक को यहाँ से, और मैं यहाँ से पिक स्मूथ हो चुका है, होने के बाद हो चुका है थोड़ा हैंड कर देंगे, और यहाँ से इसको हम सेव कर लेंगे। तो मेरा पिक यहाँ से सेव हो चुका है, हो गया पिक सेव मेरा। और देखते हैं गैलरी में पिक कैसा लग रहा है एडिट होने के बाद, और पिक कैसा दिख रहा है और देखा। और प्लीज़ चैनल वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।